नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। एक तरफ जिले के कप्तान राजेश पांडे पुलिस की छवि को साफ सुथरा बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद पुलिस वाले खाकी पर सवालिया निशान उठाने पर लगे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं। यही कारण है कि लोगों की नजर में पुलिस की छवि धूमिल दिखाई देने लगती है। ताजा मामला अलीगढ़ जिले की कोतवाली इगलास के अंतर्गत का है, जहां पर बीती रात अलीगढ़ से आ रहे विशाल और उसके दोस्त लोकेश पुत्र भूरी सिंह को अलीगढ़ रोड पर स्थित घंटरबाग के समीप आल्टो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही विशाल की मौत हो गई और लोकेश सड़क पर ही तड़पता रहा। लेकिन किसी तरह सूचना पाकर डायल 100 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोकेश के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के 20 मिनट तक पुलिस का सायरन बजता रहा और लोकेश बेचारा सड़क पर तड़पता ही रहा। लेकिन पुलिस द्वारा समय पर लोकेश को उपचार के लिए नहीं भेजा गया, जिससे लोकेश की मौत हो गई। आखिर कैसे आई पुलिस की लापरवाही सामने? आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को किसी तरह एक वीडियो मिला, जिसमें खून से लथपथ लोकेश सड़क पर तड़प रहा था और वीडियो में गाँव वालों द्वारा पुलिस से ये कहा जा रहा है, अरे भाई इसको ले जाओ, एक तो मर गया, इसको तो इलाज के लिए ले जाओ। लेकिन पुलिस खड़ी रही और एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोकेश इस दुनिया को छोड़ चुका था। देखना यह है कि आखिर कौन है लोकेश की मौत का जिम्मेदार, क्या होगी लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई। अरे दादा जी, एक ही जान तो बच जावे कम से कम, ऐसी है वो यार, अभी सांस तो चल रही है। कम से कम जान तो बच जावे यार, पकड़ लगा क्या, चलो हटा यार, धीरे पाला हटा, रखो रखो। हाँ जा भैया यार, कम से कम यार एक तो खत्म नहीं होगा। चलिए रे, एक जना पल्ला जा, चलो उठाओ ना। चांद पकड़ ला, चांद में चांद तो और बात ले, चलो लो ले पल्ला, लो लो चलो लो उठा दिया, चलो और खींचो और खींचो, बस फोन करा, फोन करवाए निकाल के फोन करवाए, फोन देख रहे उनके कहा यार, दोनों ने फोन करे जेब में, फोन इस लाइन में सरकारी घर फोन करवा यार, फोन ही नहीं जेल में, प्राइवेट में भर्ती है, फोन ही नहीं जेल में, फोन करा, फोन करा, फोन एम्बुलेंस आई हो ना, जान दे यार, जान दे तुम, जा भैया ले जाओ यार, एक तो खत्म है, ही कर जा ले जाओ यार, एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस देखो जी, तो बोला एम्बुलेंस एम्बुलेंस में मेरा नाम गौरव कुमार है, जो मेरा भाई खत्म हुआ है उसका नाम लोकेश कुमार था। ये 20/11/17 को किसी काम से अलीगढ़ से वापस आ रहा था और घंटाघर, और जो घंटाघर के पास एक ही किल्ड है उसके पास उसका एक्सीडेंट हो गया, इस अज्ञात वो कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। मौके पर वहाँ पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने 20 मिनट तक उसको हाथ भी नहीं लगाया और वो तड़पता रहा। एक बंदा तो उसके साथ जो था वो खत्म हो गया ऑन द स्पॉट, और उसमें सांस थी और पुलिस वाले ने किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। बेचारे गांव वालों ने उसको उठा के 100 नंबर की वो पुलिस वालों की गाड़ी होती उसमें डाला, मगर वो गाड़ी में ले के नहीं गए। कम से कम 20 मिनट तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, जब एम्बुलेंस आई अपनी गाड़ी में से निकाल कर फिर एम्बुलेंस में डाला। अगर वो अपनी गाड़ी से तुरंत उसको ले जाते तो मेरा भाई मेरे साथ होता आज।
क्या मानते हैं पुलिस की कमी रही? इसमें पूरी पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही की वजह से मेरा मेरे भाई की मौत हो गई, उसको सही तरह से उपचार नहीं मिल पाया, इसमें पुलिस की कमी है। बाइक से जा रहे थे पीछे से रोडवेज बस ने एक्सीडेंट कर दिया। कहाँ की घटना? समथिंग नागपुर के ऊपर सारे पास इलास में। कितनी उम्र हुई लड़की? 19-20 के करीब। क्या नाम है? निशान कुमार।